हाय गाइस, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल डॉम सीरीज. सो इस सीरीज हाय गाइस, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल डॉम सीरीज. तो आज हम फिर से दोबारा एक प्रैक्टिकल सब बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमारा डॉम पक्की हो सके. ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है. सो द क्वेश्चन सेज दैट राइट अ स्क्रिप्ट विच टेक्स द एंट्री फ्रॉम द फॉर्म एंड एड इट इन टू द टेबल. सो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है. ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे हम अपना नाम और फिर मार्क्स वगैरह एंटर करके सबमिट कर देंगे. ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया. इस चीज़ को हटाते हैं और फिर खुद से इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, तो फिर हमें करना क्या होगा? तो फिर पहले पहले सबसे बेसिक चीज़, व्हाट वी नीड द एक्सेस ऑफ द नेम. वी नीड द एक्सेस ऑफ द नेम. वी नीड द एक्सेस ऑफ द मार्क्स. राइट, बिफोर दैट वी नीड टू डू समथिंग कॉल्ड सबमिट. राइट, तो फिर फॉर्म, पहले मैं फॉर्म्स की कुछ खास बात करता हूँ. ठीक है, फॉर्म्स ना एक स्पेशल एलिमेंट होती है. ठीक है, फॉर्म्स HTML की एक स्पेशल एलिमेंट होती है जिसमें आपकी आपके पास कंट्रोल्ड एक कंट्रोल्ड एलिमेंट है. ठीक है, ब्राउजर का एक कंट्रोल एलिमेंट है कि जैसे कि यहाँ पे जैसे कि दिया गया है सबमिट. ठीक है, अगर आप सबमिट कर दोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन कुछ कुछ काम करता है जो ब्राउजर का दिया गया है. ठीक है, जैसे कि आपके बैकएंड में डेटा एंट्री करना, ये सब फीचर हम फॉर्म्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. ठीक है, तो फिर ये सबमिट बटन जो है ये इस फॉर्म टैग के साथ किसी ना किसी थ्रू से लिंक्ड है. ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अभी हमें सबसे पहले ना फॉर्म का एलिमेंट चाहिए होगा. ठीक है, तो फिर मैं लिखता हूँ लेट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ फॉर्म. उसके बाद मैं फॉर्म पे एक इवेंट लिसनर लगाता हूँ. ठीक है, फॉर्म पे एक इवेंट लिसनर लगाता हूँ. एड इवेंट लिसनर, एड इवेंट लिसनर ऑफ सबमिट. मैंने कहा था कि फॉर्म में एक ऐसा लिसनर होता है सबमिट, क्योंकि ये एक कंट्रोल्ड एलिमेंट है, ब्राउजर के थ्रू प्रोवाइड किया गया. ठीक है, तो फिर अगर आप इस सबमिट बटन को करते हैं तो ये इंटरलिंक्ड है फॉर्म की एलिमेंट के साथ, तो ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा. जब भी आप सबमिट बटन को करोगे तो ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा. ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आता है हमारा इवेंट का ऑब्जेक्ट और फिर हम लिखते हैं हमको जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है. ठीक है, हमें और दो और चीज़ चाहिए होगी. क्या है? वो है हमारा इनपुट, जिसमें हम हमारा नाम एंटर करेंगे. ठीक है, इनपुट ऑफ लिखते हैं हम नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ नेम. तो मेरी आईडी है नेम, तो फिर मेरी आईडी है नेम. एंड देन सिमिलरली मार्क्स भी ले लेते हैं. ठीक है, सिमिलरली मार्क्स भी आ जाएगा, आईडी ऑफ मार्क्स. सो माई हियर कम्स माई मार्क्स एलिमेंट. लेट मी चेंज द वेरिएबल टू मार्क्स. ग्रेट, सो वी हैव एक्सेस ऑफ बोथ. सो व्हेनेवर आई विल बी एंटरिंग एंड सबमिटिंग, आई नीड टू एंटर दिस वैल्यू, अपेंड दिस डेटा टू माई टेबल. सो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं. नेक्स्ट चीज़ क्या करनी होगी? मुझे अपनी मार्क्स और फिर अपने नेम की वैल्यू को एक्सेस करना होगा डालने से पहले. ठीक है, तो फिर मैं एक्सेस करता हूँ यहाँ पे. लेट नेम वैल्यू इज इक्वल टू, नेम वैल्यू को क्या कहता हूँ, नेम डॉट वैल्यू लिखता हूँ. ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेट मार्क्स वैल्यू इज इक्वल टू मार्क्स डॉट वैल्यू. राइट, सो इससे ये काम हो गया, बहुत ही बढ़िया. अभी आगे बढ़ते हैं और फिर दूसरा होगा. यहाँ पे नेम भी आ गया, मार्क्स भी आ गया, लेकिन इधर सीरियल नंबर भी कुछ चाहिए. ठीक है, तो फिर सीरियल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम HTML की स्ट्रक्चर को देखें, तो यहाँ पे टी बॉडी है, एक टी हेड है. ठीक है, तो टी हेड हो गया हमारा हेड और फिर टी बॉडी होगी हमारी नीचे की बॉडी. ठीक है, इसमें अभी टी बॉडी में हर एक चीज़ रो के TR मतलब टेबल का रो. ठीक है, उस चीज़ से इंडिकेट किया गया है. तो फिर मैं क्या करता हूँ, सीरियल नंबर निकालने के लिए एक तरकीब लगाता हूँ. मतलब लेट सीरियल नंबर इज इक्वल टू document.query selector ऑफ TR का टैग. ठीक है, कि जितने भी TR टैग है वो सारे ला दो और फिर उसके लेंथ. तो यहाँ पे दो TR के टैग्स हैं अभी तक, तो ये चीज एक और करनी पड़ेगी. TR T head में भी अवेलेबल है. ठीक है, TR T head में भी अवेलेबल है.
तो मुझे क्या करना होगा, मुझे टी बॉडी के अंदर जितने भी टी आ रहे हैं उनको सेलेक्ट करना है। तो फिर मैं उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे टी बॉडी के अंदर जितने भी टी आ रहे हैं उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। तो फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लेंथ प्लस वन बनेगा मेरा सीरियल नंबर, ग्रेट। तो फिर ये सारी डेटा और वैल्यूज हमने सॉर्ट आउट कर दिए, ठीक है। अभी अगला प्रोसेस क्या रहेगा, अगला प्रोसेस रहेगा हमको टी आर का एक एलिमेंट बना के, एक टेबल का एक एलिमेंट बना के हमें अपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, डेटा का स्ट्रक्चर है एक टी आर का एलिमेंट है, टी डी वगैरह है, ठीक है, ये सब है। तो फिर पहले हमें टी डी टी आर नाम का एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा अपन करने से पहले। तो फिर मैं क्या करता हूँ, टी आर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करता हूँ टी आर का, सही है, ठीक है। सो हियर वी आर क्रिएटेड दी टी आर एलिमेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी दैट्स अ न्यू प्रॉपर्टी, दैट्स अ प्रॉपर्टी नेम्ड इनर एचटीएमएल। सो व्हाट इनर एचटीएमएल बेसिकली इज दैट, व्हाट इनर एचटीएमएल बेसिकली इज दैट, यू कैन पुट योर एचटीएमएल कंटेंट वाया दिस, राइट। यू कैन पुट योर एचटीएमएल कंटेंट वाया दिस इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एज वेल, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा यहाँ से अपना स्ट्रक्चर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहला डेटा क्या है, सबसे पहला डेटा है मेरा सीरियल नंबर। तो फिर मैं अंदर लिख देता हूँ अपना सीरियल नंबर, अपना सीरियल नंबर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ होगी हमारा नेम, नेक्स्ट चीज़ होगी हमारा नेम। एंड देन थर्ड पैरामीटर इज गोइंग टू बी माई मार्क्स, थर्ड पैरामीटर इज गोइंग टू बी माई मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे हमने टी आर की मतलब एक रो की स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर ली है, ठीक है। इनर एच टी एम एल से हम एक एच टी एम एल का एक पैटर्न स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे क्रिएट एलिमेंट का ऑल्टरनेटिव जैसा ही होता है। लेकिन इनर एच टी एम एल ना काफ़ी बड़े चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है। तो फिर एक लिमिटेड सेट ऑफ चीज़ें ही हम इससे कर पाते हैं, ठीक है, उतना ही हमें करना चाहिए, ठीक है, तभी एफिशिएंसी वगैरह अचीव हो पाएगी, ठीक है। तो इनर एच टी एम एल की काम हो गया। तो अभी नेक्स्ट हमें अपेंड करना है, अपेंड किस में करना है, अपेंड हमें टी बॉडी में करना है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, टी बॉडी को ले लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ टी बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ टी बॉडी, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, टी बॉडी डॉट अपेंड, टी बॉडी के अंदर हमें अपेंड करना पड़ेगा, टी बॉडी के अंदर अपेंड करना पड़ेगा अपेंड चाइल्ड, चाइल्ड में क्या जाएगा हमारा टी आर जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया है, ठीक है यार। मेरे ख्याल से इसे हमने हमारा डेटा वगैरह एक्सेस करके उसको अंदर एंटर करने का चीज़ें आ गई, ठीक है। तो अभी मैं नाम डालता हूँ अपना नाम, और फिर कुछ नंबर वगैरह, कुछ नंबर डाल देते हैं और फिर सबमिट करके देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये एरर मुझे एक्सपेक्टेड थी और वही हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ भी डाला, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नंबर्स डाल दिया और फिर सबमिट करता हूँ तो रीलोड हो गया, ठीक है। रीलोड क्यों हुआ, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है फॉर्म्स की। जैसे कि मैंने कहा था कि फॉर्म में एक स्पेशल एलिमेंट है जो कि ब्राउजर प्रोवाइड करता है, जो कि एक कंट्रोल्ड एलिमेंट है, ठीक है। मतलब आप इसके थ्रू अपने बैकएंड वगैरह में डेटा वगैरह कुछ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एक्शन लेगा आपके डेटा स्टोर करने को, तो बाय डिफॉल्ट ये कुछ गेट रिक्वेस्ट करता है। गेट रिक्वेस्ट मतलब ऐसे नहीं है जैसे कि मान लेते कुछ डेटाबेस वगैरह को रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अभी के लिए फॉर इंस्टेंस है नहीं, लेकिन इसके कारण आपका साइट जो है रिलोड हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ना इस फॉर्म एलिमेंट की डिफॉल्ट बिहेवियर होती है, ठीक है, ये चीज़ फॉर्म एलिमेंट्स की डिफॉल्ट है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पुराने एक लेक्चर में देखा था कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कि एक एलिमेंट की डिफॉल्ट काम को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट ई डॉट प्रिवेंट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करने से क्या होता है, आप जो उस एलिमेंट का डिफॉल्ट है उसको रोक सकते हो, ठीक है, उसको इग्नोर कर सकते हो और फिर अपना बाकी का काम कर सकते हो, राइट। सो यू विल बी इग्नोरिंग इट्स डिफॉल्ट बिहेवियर एंड यू विल बी प्रोसीडिंग फर्दर विथ इट्स रेस्ट ऑफ द फॉर्म, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई फिलिंग द फॉर्म एंड एंटर सम मार्क्स एंड देन ट्राई सबमिटिंग इट, ग्रेट ग्रेट। सो देयर इज सम काइंड ऑफ इशू, सेज दैट तो फिर देखते हैं कि इशू क्या है, ठीक है। तो हम दोबारा एक बारी रीलोड करके दोबारा लाइव जाके देखते हैं कि इशू क्या है, ठीक है। ये गए लाइव, ठीक है, यहाँ पर आए। सो इशू ना इशू यहाँ पे, अच्छा तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दी थी, ठीक
ठीक है, हमने हमने डाल दिया डायरेक्टली सेलेक्टर्स को, ये नहीं करना था, हमें हमारा नेम का वैल्यू डालना था। ठीक है, हमने डाल दिया हमारा वैल्यू जो कि हमने एक्सेस किया था। तो फिर अभी हम करके देखते हैं, दोबारा डालते हैं, रिलोड करते हैं, तो ये चीज़ चल नहीं रही। ठीक है, इसको क्या इशू है? अच्छा ठीक है, तो फिर देखते हैं हमारा इशू कहाँ पे हुआ। तो इशू इशू अच्छा, तो इशू हो गया, ये हमने नेम की वैल्यू नहीं डाली, हमने डायरेक्टली उस HTML एलिमेंट को एक्सेस करते वक्त उस चीज़ को डाल दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आएगा नेम वैल्यू और फिर मार्क्स वैल्यू। राइट राइट राइट, अभी गलती आ गई। ठीक है, अभी हम क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नेम क्लिक कर दिया और फिर मार्क्स एंटर कर दे और फिर क्लिक करता हूँ सबमिट। वाह, ठीक है, हमारा सही चल रहा है, ग्रेट ग्रेट। तो दोबारा एक और एंट्री करते हैं, ठीक है, सही चल रहा है। तो यही था इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का टास्क, तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो फिर अभी मिलते हैं अगले लॉजिकल क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।